दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे गर्मियों में टर्की के बच्चों में क्या 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 करना चाहिए। और आसान आसान चीज़ जो कि अपने यहाँ आसानी से उपलब्ध हो, उस चीज़ का उपयोग करके गर्मी में बचाव किस तरह से करें, और बड़ा लॉट है छोटा लॉट है, उनको गर्मियों में बीमारियों से और गर्मी में लू तरह की अलग अलग वैरायटी की जो बीमारियाँ होती है उससे बचाव के लिए आप लोगों को जानकारी दूंगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो में यदि पहली बार आप आके वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है वीडियो, तो चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का बटन जो है, सब्सक्राइब बटन लाल कलर का बटन दबाएं, बाजू में एक बेल आइकन घंटी खुलेगी उसे दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा। शुरू करता हूँ। अभी आपको बता दूँ, गर्मियों का मौसम चल रहा है और लगभग 45 सेल्सियस का टेम्परेचर अभी बना हुआ है, जिससे कि सारे बर्ड परेशान होते हैं, और कई जगहों में इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर हो गया है। लू भी हवा के तौर पे चल रही है, लू भी लग रही है, जिससे बर्डों को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए यदि आप लोगों के एरिया में यदि इस तरह का कंडीशन हो रहा है और गर्मी का मौसम है, तो आप सबसे पहले अपने जानवरों का दाना और पानी के लिए विशेष ध्यान दें, जो कि आपको दाना रेगुलर देते हैं। दाना ऐसा दाना दें जो नॉर्मल अच्छा हो, साफ हो। दूसरा, पानी नॉर्मल ही देना है, ना ठंडा देना है ना गर्म देना है, जो नॉर्मल बोर से निकलता हुआ, नल से आता हुआ या कुएं का पानी, ताज़ा पानी दें, साफ पानी दें। साथ ही कई जगह प्याज बोलते हैं, कई कांदा बोलते हैं, ये अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो आपके पास यदि प्याज की व्यवस्था हो तो कटिंग करके प्याज या मेथी, पालक, हरी सब्जियां ये भी लाके उनको दें, और उनको हरी सब्ज़ी ये सब खिलाएं। ख़ास तौर पे लू से बचाव के लिए प्याज सबसे अच्छा होता है, जो उनकी बॉडी को ठंडा भी रखेगा और लू से भी बचाएगा और उनको हेल्थी रखेगा। तो ये आप लोगों को देना है। साथ ही आपको और बता दूं कि हो सके तो जहाँ पे आपने रखे हुए हैं पर्दे लगे हुए हैं, तो पर्दे गीले कर सकते हैं, पर्दों को गीला करके अंदर पे टेम्परेचर अच्छा बनाए रखें। साथ ही यदि आपके पास पर्दे भी नहीं हैं और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते जा रहा है, तो ज़मीन में भी थोड़ा पानी सिंचाई कर सकते हैं दोपहर के टाइम में, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए जहाँ पे आपका फार्म है। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।